हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग मेकिंग विद कुसुम में। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा राइस। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये दाल और कढ़ी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स की आवश्यकता होती है, तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 चम्मच घी, 2 चम्मच जीरा और 2 कप चावल। इन्हें हमने धुल कर अच्छे से 5 से 10 मिनट तक पानी में भिगो के रख लिया है। तो चलिए अब हम जीरा राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम हमारी गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उस पे हमारे इस बार कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे। हमारा कुकर गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1.5 चम्मच घी डालेंगे। और इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें हमारे जीरे को ऐड कर देंगे और इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमें इन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करना है जिससे ये ज्यादा जल ना पाए। अब हम इसमें हमारे चावलों को भी ऐड कर देंगे। हमने इन्हें पानी के साथ ही ऐड किया है। हमें इसमें इतना पानी डालना है जिससे हमारे चावल अच्छी तरह से पानी के नीचे डूब जाए। और साथ ही हमें चाहिए होगा थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम 1 सीटी आने तक अच्छे से पकने देंगे। हमारे कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारे कुकर को उतार लेंगे। कुकर की सीटी को अभी हम निकालेंगे नहीं, इसका जब तक ऑटोमेटिक प्रेशर खत्म नहीं होता जब तक हमको इसकी बिल्कुल भी सीटी को नहीं निकालना है। इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। देखिए हमारे कुकर का प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब हम हमारे चावलों को हमारे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चावल बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। अब हम इन्हें अच्छे से पूरी को मिक्स कर देंगे। इनका कलर और टेक्सचर बिल्कुल बहुत अच्छा आया है। देखिए हमारे चावल कितने बिखरे हुए बने हैं, अब हम इसमें देसी घी डालकर इसे सर्व करेंगे। इनमें से खुशबू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। देसी घी डालने से इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है और भी ये खिले खिले दिखने लगते हैं। और ये ऑप्शन भी अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको ऐसा निशान हो रहा होगा, उसे लाइक कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और ऐसा एक लाल शब्दों में कुछ लिखा भी आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसे भी क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपनी फैमिली को ये चखा कर हमको बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। धन्यवाद, थैंक यू।